Today, I will tell you a story. The story is about where have I been and what have I been doing lately. Let's go. मैं अपना आधा दिन फॉर्मल ड्रेसिंग में गुजार देता हूँ. आखिर क्यों? ड्रेसिंग की स्टोरी सुनाने से पहले एक प्री स्टोरी, सब स्टोरी, ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट स्टोरी. आपको पता है मेरा नाम क्या है? मेरा नाम है अब्दुल रफे. स्कूल में दे असाइन योर रोल नंबर अकॉर्डिंग टू योर नेम, लाइक इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर. अल्फाबेट्स में टॉप फोर में से तीन वर्ड्स ए बी डी, ये हैं भाई के पहले तीन नाम के शब्द. यानी कि कोई भी स्कूल एक्टिविटी हो, सबसे पहले वार्ड किसकी लगेगी? आपके भाई की, क्योंकि रोल नंबर वन हमेशा से आपका भाई है. राफे भाई, स्कूल लाइफ गुजर गई, जो होना था हो गया, अब क्या मसला है? मसला ये है कि भाई हम बेसब्रे बड़े हैं. तो हुआ ये कि हम लोग अगले अटेम्प्ट के लिए जो है रजिस्ट्रेशन करवाने आए, और हमने पेपर्स की रजिस्ट्रेशन करवा ली. फिर हमने सोचा कि पीसीएससी के स्लॉट्स में टाइम मिले ना मिले, वो भी अभी से करवा लेते. मैंने सोचा तो हम चारों चले गए पीसीएससी में रजिस्ट्रेशन करवाने. पता लगा हम पहले चार थे. अब हमारा रोल नंबर 1, 2, 3, 4. ओके, नाउ लेट्स कम टू द रियल पॉइंट ऑफ ऑल दिस. आपको पता है या नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि आई इंटेंड टू बी अ फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट. आसान लफ्जों में, मैं सीए की पढ़ाई पढ़ रहा हूँ. क्या है कि हमारे सीए में ना एक कोर्स है पीसीएससी, पीसीएससी प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स. आई डोंट नो हाउ दिस गॉट एब्रीविएटेड इनटू पीसीएससी, बट इट डिड. इस कोर्स के क्या होता है कि आपने प्रेजेंटेशन देनी होती है और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना होता है. डूड, आई कम्युनिकेट विद द वर्ल्ड. What's the big deal in like communicating with a bunch of 30 people? I can do it. तो जी हम गए पहले दिन लेक्चर में. 2 मिनट की स्पीच देनी थी अपने बारे में, अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर लाइक्स, योर डिसलाइक्स, योर स्ट्रेंथ्स, योर वीकनेसेस. आई हैड अ स्टेडी हैंड. आई हैड नो फियर कि स्टेज पे जाएंगे, 2 मिनट के लिए बोले हैं बोल देंगे. मैं गया स्टेज पे, मैंने बता दिया जी मैं व्लॉगिंग करता हूँ, फोटोग्राफी करता हूँ, सीए में आता हूँ क्योंकि आई वॉन्ट टू चैलेंज माई सेल्फ, और आई लाइक टू सोशली इंटरेक्ट विद पीपल, आई एम गुड एट टाइम मैनेजिंग. यानी सब कुछ जो भी मुझे अपने बारे में पता था ना, सब बता दिया. घड़ी देखी, सिर्फ 30 सेकेंड हुए. अरे भाई, मुझे इससे ज़्यादा अपने बारे में क्या पता, जो पता था आपको बता दिया, और क्या बताऊँ. अब मुझे एक बात तो रियलाइज हो गई कि प्रैक्टिस किए बगैर नहीं जाना. एंड जैसा कि हमारे अबाउ उस्ताद ने कहा है, द बेस्ट वे टू प्रैक्टिस इज टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड प्रिपेयर स्पीच. सो आई एक्चुअली डिड दैट. I stood in front of the mirror and I practiced my speech. लेकिन जो हमें नहीं बताया गया वो मैं आपको बताता हूँ अंदर की बात. This is not the best way. क्योंकि जब आप यहाँ खड़े होते हैं, आप मिरर के सामने खड़े हुए बात कर रहे हैं, तो आप अपने आप से बात कर रहे हैं, आप अपने आप को देख रहे हैं. जब आप स्टेज पे खड़े होते हैं ना, तो आप कुछ और देखते हैं. डेमो दिखा दो. Hi, my name is Abdul Rafe and I'm from आपके जो दोस्त बैठे होते हैं ना ऑडियंस में, उनकी तरफ कभी भी नहीं देखना. दोस्तों से याद आया कि इन दिस पीसीएससी बैच मोस्ट ऑफ माय यूनिवर्सिटी स्क्वाड वी हैव एनरोल्ड इन द सेम बैच. यानी कि बेटा 30 की क्लास है, उसमें 10 हम अपने लौंडे हैं. तो आपकी प्रेजेंटेशन जितनी भी खराब जाए ना, ये इत्मीनान रहता है कि सामने जो बैठे हैं ना, ये क्या मुझे जज करेंगे, मैं इनको जज करूंगा. अब वक्त आ गया कि आपको अपने कुछ दोस्तों से मिलवाया जाए. दानियाल, अली बॉय, आशिर, सामा, मुईद जमजम, उमर पूरी, अहमद फिरोज, और ये है अबू बकर. हम जहाँ भी जाएं, ऑर्डर यही देता है. कितने बंदे हम आए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ओके, मुझे अंडे वाला बर्गर. जी, जरूर. मेरी सुबह 7:30 से 12 बजे तक कंसेक्यूटिव क्लासेस होती है, और 12:15 बजे पीसीएससी की क्लास होती है. लेकिन उस क्लास के लिए पहले दूसरे कैंपस जाना पड़ता है. दूसरा कैंपस अगली गली में ही है, तो ज़्यादा मसला नहीं है. कैंपस पहुंचने के बाद पहले तो हम टाइयां लगाते हैं. फिर जरा मुँह हाथ धोते हैं, क्योंकि क्लासेस हमारी सारी को होती हैं ना. नथिंग टू ब्रैग अबाउट, सारी यूनिवर्सिटीज में कोई होती हैं. ट्रू, आई नेवर टोल्ड यू, बट
ये जो सिचुएशन इन हेवन है ये हमारी क्लास का कौमी तरह है, कोई इसकी खास वजह नहीं। खैर वापस आते हैं, इस 15 मिनट की ब्रेक में अगर टाइम मिले तो कुछ खा भी लेते हैं। इस क्लास का वाहिद मकसद सिर्फ आर्ट्स पूरे करने, तो एक तरह से काफ़ी चिल सीन है और शुगर ही है। नाजरीन हम लोग इस टाइम आए हुए हैं जॉनी एंड जूनू का ब्लॉग। ऐसे नहीं आया, ऐसे नहीं होता, कैमरा बना रहा होता, पीछे लोग खड़े थे, देख रहे थे। नाजरीन हम लोग इस टाइम आए हैं, नाजरीन हम लोग इस टाइम आए हैं जॉनी एंड जुगनू का ऑडिट करने। पहला ऑडिट यार, प्लीज आप मुझे ब्लॉक मत करिएगा प्लीज। तो हुआ ये कि हम अगली अटेम्प्ट के लिए अपनी गर्मी में तुम बिठा के जो ब्लॉग बना रहे हो शाम को, अल्लाह पूछेगा, जबरदस्ती बुलाया हुआ हमें जो है अगली अटेम्प्ट के लिए 10 रुपए हम इस टाइम आए हैं जॉनी एंड जुगनू, जॉनी एंड जुगनू पे हमसे मिलने आए हैं